हमारे आसपास डिटॉक्स के इतने तरीके हैं, नेति, धोती, पंचकर्मा, कपिंग, स्टीम, सोना और इतना सब कुछ। लेकिन इन सब में हमें या तो किसी और की, या किसी मशीन की, या बहुत सारे पैसे की, या तो कहीं दूर जाने की जरूरत पड़ती है। अगर हम आपको कहें कि डिटॉक्स का एक ऐसा भी तरीका है जिसमें आपको ना किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत, ना किसी मशीन की ज़रूरत, ना किसी हॉस्पिटल की और ना ढेर सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत, ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, कॉटन क्लॉथ यानी सफ़ेद कपड़े की। ये है वेट पैक। इस गीली कॉटन की पट्टी को बस अपने पेट, गले और माथे पर रखकर आप पूरे शरीर को डिटॉक्स दे सकते हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं, अपने हेडेक और माइग्रेन को गुड बाय बोल सकते हैं, एक लंबे दिन के बाद टेंशन और स्ट्रेस से आराम पा सकते हैं। आप चाहे एकदम स्वस्थ हो या आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे आप छोटे हो या बड़े, मोटे हो या पतले, सभी इस वेट पैक को लगाकर अपना स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। क्या एक कपड़ा और पानी मेरे शरीर को इतने सारे फायदे दे सकते हैं? बिल्कुल, ये कोई नई चीज नहीं है, ना ही इसे हमने इन्वेंट किया है। ये थेरेपी हजारों साल पुरानी है जो प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचर क्योर में इस्तेमाल होती है। आज ये थेरेपी दुनिया भर में हाइड्रोथेरेपी का एक हिस्सा मानी जाती है और हजारों लोग इसको लगाकर अपने स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वेट पैक के बारे में सब कुछ सीखेंगे, इसे कब और कैसे करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में काम भी कर रही है कि नहीं, सब कुछ। आइए तो पहले जानते हैं ये पट्टी काम कैसे करती है। इस पट्टी को ठंडे पानी में भिगोकर, निचोड़कर हम तीनों जगह कुछ इस तरह बांधते हैं। ऐसा करने से जहाँ जहाँ ये पट्टी लगी होती है शरीर के वो हिस्से ठंडे हो जाते हैं और बाकी शरीर गर्म रहता है। साइंस का नियम है कि जब भी एक जगह दो टेम्परेचर मेंटेन होते हैं उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का दौरा बढ़ जाता है। पहले जहाँ खून नहीं पहुँच पाता था, ये पट्टी लगाने के बाद वहाँ खून पहुँचने लगता है। जब शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, क्या आप गेस कर सकते हैं साथ साथ में किसका सर्कुलेशन बढ़ता है? टॉक्सिन्स यानी गंदगी का। पुरानी से पुरानी गंदगी खून के साथ साथ अपनी जगह छोड़ने लगती है। क्या आपने कभी कोई गंदा तालाब देखा है? क्योंकि उसका पानी स्थिर रहता है, वो गंदे गंदे कीड़ों का घर बन जाता है। इसी तरह जब आपके शरीर में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता तो वो टॉक्सिन्स और बीमारियों का घर बन जाता है। तो वेट पैक हमारे अंदर के गंदे तालाब को एक साफ बहती नदी बनाता है। और जब आपके खून का सर्कुलेशन हो सही तो आपको बीमारी छुएगी ही नहीं। वेट पैक की विधि समझने से पहले जल्दी से जानते हैं कि आपको इसको लेकर क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जो ये सर की पट्टी है, ये आपके स्ट्रेस और टेंशन को दूर करती है। इसको लगाने के 15-20 मिनट में ही आप देखेंगे कि आप पहले से बहुत शांत महसूस करेंगे। और तो और, जिनको हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, इसको लगाकर उनको यूं आराम मिलता है। फिर गले की पट्टी आपके थायराइड ग्लैंड की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। आप में से जिन लोगों को थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, गले खराब की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। और आखिर में ये पेट की पट्टी तो जादू जैसा काम करती है। जिनको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर्स की दिक्कत है, उनको ये पट्टी लगाकर तुरंत आराम मिलता है। इसको लगाते ही आंतों के अंदर कोई भी वेस्ट जो पड़ा होता है वो भी अपनी जगह छोड़ने लगता है। जिनका पेट ज्यादा है उनका पेट कम करती है। आप सोचिए, शरीर के जितने भी सबसे जरूरी अंग है, पेट, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, वो सब इसी हिस्से में मौजूद है। तो पट्टी लगाते ही इन अंगों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ये अंग अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, लंबे समय तक आपके साथ चल पाते हैं। आपको पता है जब आप इसको लगाते हैं ये एकदम ठंडी होती है, लेकिन उतारते वक्त बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, ये पट्टी एकदम गर्म निकलती है, जैसे कोई आग से निकाली हो। पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर की गर्मी शरीर के टॉक्सिन्स को अपने अंदर खींचने लगती है। अब करके देखिए। तो आइए जानते हैं इसको कैसे लगाते हैं। एक सफेद मोटा कॉटन का कपड़ा लीजिए। इसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर की होनी चाहिए और चौड़ाई करीब 1 मीटर की। अब इसे ऐसे 2 बार फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको करीब 10 इंच चौड़ी बेल्ट मिलेगी।
फिर इसको ठंडे पानी में भिगोइए और निचोड़ लीजिए। पानी सिर्फ उतना ही ठंडा होना चाहिए जितना आप आसानी से सहन कर पाए। अब वेट पैक को अपने पेट पर इस तरह बांध लीजिए और बांध कर ऐसे टक कर लीजिए ताकि वो गिरे ना। वेट पैक इस तरह बांधे कि आपकी नाभि कपड़े के एकदम बीच में हो। आपके पेट के अराउंड इसकी करीब 3 लेयर बन जाएगी। एक और कॉटन का कपड़ा लीजिए, करीब 2 इंच चौड़ा और 1 मीटर लंबा। इसे ठंडे पानी में भिगोइए और अपने गले पर ऐसे बांध लीजिए। एक और 2 इंच चौड़ा कॉटन का कपड़ा लीजिए, ठंडे पानी में भिगोइए और अपने माथे पे इस तरह बांध लीजिए। आप इन सफेद कॉटन के कपड़ों को कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये कोई जादुई कपड़ा नहीं है, एक मामूली सा सफेद कॉटन का कपड़ा है। चाहे तो किसी भी टेलर से सिलवा भी सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी करने के लिए हमने वेट पैक को अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल किया है। चाहे तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बस अब इस वेट पैक को 30 से 40 मिनट तक बांध के रखिए। आप 10 मिनट ज्यादा करेंगे तो भी कोई बात नहीं, 10 मिनट कम करेंगे तो भी कोई बात नहीं। ये जीरो साइड इफेक्ट थेरेपी है। 30 मिनट? अपने बिजी रूटीन में मैं 30 मिनट कहां से निकालूंगी? मेरे पास तो 10 मिनट का भी समय नहीं है। असल में वेट पैक को लगाना तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। आप इसे बांधकर ऊपर से अपने कपड़े पहन ले और अपना रोज का काम करते रहिए। आपको इसको लगाकर एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। घर में कपड़े धोने हो, पौधों में पानी डालना हो, खाना बनाना हो या बच्चों का टिफिन पैक करना हो, बस भिगोइए, बांधिए और बढ़ते जाइए। लैपटॉप पे काम करना हो, ईमेल्स का रिप्लाई करना हो, फोन पे बात करनी हो या पढ़ाई करनी हो, बस भिगोइए, बांधिए और बढ़ते जाइए। चाहे आप स्वस्थ हो या आपको कोई बीमारी हो, आप मोटे हो या पतले, बड़े हो या बच्चे, सभी इसका फायदा ले सकते हैं। मैं तो इसको यूजुअली नहाने से पहले लगाती हूँ ताकि कपड़े गीले हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको कपड़े गीले होने की थोड़ी भी टेंशन हो तो वेट पैक के ऊपर एक सूखा कॉटन का कपड़ा बांध ले और फिर कपड़े पहन ले। एक और बात, आप इसे पीरियड्स के दौरान भी लगा सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी। प्रेगनेंसी के दौरान इसको करने से आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मिसकैरेज का चांस कम होता है और डिलीवरी ज्यादा पेनलेस हो पाती है। वेट पैक के फायदे सिर्फ हम नहीं बता रहे, आज कई साइंटिफिक रिसर्चेस भी साबित कर रही हैं कैसे ये ठंडी गीली पट्टी डायबिटीज और हार्ट डिजीज तक को खत्म करने में मदद करती हैं। यही नहीं, जब आप कभी गांव जाते हैं, क्या आपने कभी गाय भैंसों को तालाब में आराम करते हुए देखा है? आप देखेंगे उनका शरीर हमेशा आधा पानी के अंदर होता है और आधा बाहर। वो क्या कर रही होती है? असल में वो वही लाभ पा रही होती है जो आप ये वेट पैक पहन कर पाते हैं। पर आपको तालाब ढूंढने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे इस थेरेपी का फायदा ले सकते हैं। एक और बात, आप तीनों जगह पट्टी को एक साथ लगाएं। सर दर्द होने पर भी पेट की पट्टी जरूर लगाएं, क्योंकि जो सर दर्द यहाँ महसूस होता है वो शुरू तो यहाँ होता है। आप इसे सुबह लगा सकते हैं नहाने से पहले या फिर शाम को अपना सारा काम खत्म करने के बाद। ये याद रखिएगा कि जब ये लगी हो उस समय कुछ खाना या पीना नहीं है। तो आइए अब समझते हैं इसे कब तक करना है। अगर आप कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम को रिवर्स करना चाहते हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, साइनसाइटिस, एस्थमा, स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम, तो इसे 3 महीनों के लिए रोज 2 बार लगाइए, एक बार सुबह और एक बार शाम। कोशिश करें कि आप बीच में एक भी दिन स्किप ना करें। ट्रैवल भी कर रहे हैं तो इसे अपने साथ लेके जाइए और अपने ट्रिप पे भी इसको जरूर करें। 3 महीनों बाद आपको इसको रोज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमारा ये लाइफस्टाइल प्लान फॉलो करिए। ऐसे में आप इसे हफ्ते में 2 बार लगाइए और जब जब आपको थोड़ी भी ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्ट्रेस या टेंशन महसूस हो। हम तो इसको हफ्ते में 2 बार करते ही करते हैं। हमने देखा है कि जो काम महंगी महंगी दवाइयां नहीं कर पाती, वो काम आपकी ये पट्टी कर देती है। ये वेट पैक सभी सिचुएशंस के लिए बहुत इफेक्टिव है। सर में दर्द, ट्राई वेट पैक। एसिडिटी, हाँ, गैस और ब्लोटिंग भी, ट्राई वेट पैक।
ऑफिस का स्ट्रेस? हाँ, वेट पैक ट्राई करो। पीरियड पेन, ट्राई वेट पैक। कॉन्स्टिपेशन, ये वेट पैक ट्राई करो। अरे वाह, वेट पैक ऑन, हेडेक गॉन। वेट पैक ऑन, एसिडिटी गॉन। वेट पैक ऑन, मेरा स्ट्रेस ही गॉन। मैंने सोचा नहीं था वेट पैक ऑन, पीरियड पेन गॉन और मेरा तो कॉन्स्टिपेशन भी गॉन। आइए अब वेट पैक के बारे में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि वेट पैक काम करा है कि नहीं? यदि वेट पैक उतारने पर वो गर्म बाहर निकलता है तो मतलब उसने अपना काम आपके शरीर में कर दिया। हम तो जब भी लगाते हैं, चाहे लगाते वक्त कितना भी ठंडा क्यों ना हो, हमेशा गर्म बाहर निकलता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो एक्सेस हीट होती है वो अपने अंदर सोख लेता है। दूसरा सवाल, वेट पैक को साफ कैसे करें? हर बार इस्तेमाल करने के बाद आपको ये धोना जरूर है, धोकर ही वापस इस्तेमाल करें। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि जब वो ये पट्टी निकालते हैं उसमें से स्मेल आती है, वो इसीलिए क्योंकि आपके शरीर के टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे आप बाकी सारे कपड़े धोते हैं वैसे ही वेट पैक धो ले, हाथ से भी धो सकते हैं और मशीन में भी डाल सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या गीली पट्टी को हर मौसम में लगाया जा सकता है? सिर्फ बहुत ठंड के समय में इसको ना लगाएं, ठंड को छोड़ के पूरे साल लगा सकते हैं। एक और बात, इसको पहनने के बाद आपको एकदम कंफर्टेबल फील होना चाहिए, यदि थोड़ी भी कपकपी छूट रही हो तो इसे उतार दे। अगला सवाल, क्या वेट पैक जुखाम के समय में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, घबराइए मत, वेट पैक तो आपके नाक और गले में जो म्यूकस है उसको तेजी से बाहर निकालता है। अगला सवाल, अगर वेट पैक इस्तेमाल करते वक्त वो सूख जाए तो क्या इसे फिर से गीला करें? नहीं, जब आप इसे बांधते हैं तो इसकी 3-4 लेयर कमर के ऊपर बंध जाती है। अगर पट्टी की बाहर की लेयर सूख भी गए तो उसके अंदर वाली लेयर फिर भी घीली रहेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि सात्विक जीवन शैली का ये सिर्फ एक हिस्सा है, और भी कुछ चीजें हैं जो हम रेकमेंड करते हैं पूरी स्वास्थ्य का लाभ पाने के लिए। उनके बारे में सीखने के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इसे अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो सब भी दवाइयाँ छोड़कर माँ प्रकृति के पास वापस आ सके। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।